हेलो दोस्तों, नमस्कार। मातुल एक नए स्टॉक के साथ एक परफेक्ट स्टॉक सिलेक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं आपके सुखद भविष्य का निर्माता बनेगा ये स्टॉक, ये काउंटर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नीलकमल। और आप सभी ने एट होम करके स्टोर्स देखे होंगे नीलकमल के, जहाँ पर इनकी पूरी प्रोडक्ट रेंज रहती है। इस पूरे ही काउंटर में अगर हम बात करते हैं तो काउंटर अपने एक अच्छे लेवल पर इस समय स्टैंड कर रहा है। काफ़ी करेक्शन हो चुका है पीछे, काफ़ी टाइम में मार्केट करेक्शन के साथ काउंटर में भी करेक्शन है, और कहीं ना कहीं स्टॉक अपना बॉटम आउट कर रहा है यहाँ पर। यहाँ से इस काउंटर में जो डाउनसाइड है वो काफ़ी लिमिटेड है, बट अपसाइड का पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनका जो बिजनेस सेगमेंट है वो स्पेशली होम डेकोर से रिलेटेड है अगर हम बात करते हैं तो। और जैसा कि हम सभी को पता है कि होम डेकोर का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है, आने वाले समय में अल्टीमेट फ्यूचर रहेगा। तो चलिए आइए बात करते हैं नीलकमल के बारे में, इसके फंडामेंटल्स के बारे में, इसके टेक्निकल्स के बारे में। सो दोस्तों, टेक्निकल्स की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो आप इसके चार्ट को देख सकते हैं। काउंटर का ये डेली ग्राउंड पे चार्ट है। काउंटर में यहाँ जब हम बात करते हैं 28 दिसंबर की, तो यहाँ से जब काउंटर 1300 रुपये के आसपास था, यहाँ से काउंटर ने एक अपसाइड लेना शुरू किया और अपना एक हाई क्रिएट किया लगभग 2280 रुपये के आसपास। यानी कि मैं आपको एक सपोर्ट जोन में दिखाता हूँ, 2280 का लेबल इसने शो किया, ठीक है। उसके बाद फिर इसने एक डाउनसाइड अगर हम बॉटम की बात करते हैं तो बनाया, जो कि अराउंड 1490 के आसपास रहा। और आप देख सकते हैं इस 1490 और 2280 के बीच में काउंटर पिछले 2 साल से ट्रेड कर रहा है। यानी कि यही काउंटर की ट्रेडिंग रेंज है, और इस वक्त काउंटर अपने लोअर साइड में चल रहा है, मतलब ट्रेडिंग रेंज के बॉटम में चल रहा है। 1490 एंड 1500 के आसपास काउंटर चल रहा है। यहाँ से जो अपसाइड का पोटेंशियल है लगभग 500 टू 700 पॉइंट का अपसाइड काउंटर के अंदर बनता हुआ दिखाई देता है हमें अपकमिंग डेज में। लेकिन साथ ही हम लोग स्टॉप लॉस की भी अगर बात करते हैं तो दोस्तों, स्टॉप लॉस जो आप बना के रखेंगे इस काउंटर के अंदर वो लगभग 1470 रुपये का, यानी कि 1470 विल बी द स्टॉप लॉस, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि अगर 1470 टूटता है तो कहीं ना कहीं काउंटर आपको 1200 के लेवल्स डेफिनेटली दिखाएगा अपकमिंग डेज के अंदर। तो आप समझ लीजिए जो भी आपका सपोर्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 1470। अगर आप करंट प्राइस पर बाय करते हैं तो 1470 को आप सपोर्ट जोन बनाएंगे, जबकि जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा आपका, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो आपका तकरीबन रहेगा 2070 का। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रेकआउट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा लगभग आपका 2300 का। यानी कि 2070 अगर एक बार क्रॉस करता है तो वो 2300 की तरफ जाएगा, और एक बार अगर 2300 क्रॉस कर दिया बुलिश मार्केट में इस काउंटर ने, तो ये काउंटर आपको 3000 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है अगले 2 से 3 सालों के अंदर। काउंटर बहुत बढ़िया है। इस काउंटर में आपका निवेश SIP मोड में अगर आप करते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। लंबी अवधि का नज़रिया रखिए, लगभग 10 साल के लिए अगर आप ये काउंटर को अपने पास रखते हैं तो ये काउंटर आपको लगभग 7 to 8,000 के आसपास नज़र आ सकता है अगले 10 सालों के अंदर, क्योंकि अगले 10 सालों में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं कि अभी स्पेशली लोग घरों से निकल के अपार्टमेंट्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, शहरों में अपार्टमेंट आ रहे हैं, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में भी अपार्टमेंट्स का फैशन चल रहा है। एंड वहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि लोग स्पेशली प्लास्टिक मोल्डिंग कंपनीज और जो भी डेकोरेशन में ज़्यादातर प्लास्टिक का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लाइट वेटेड होती है। नीलकमल की इसमें महारत हासिल है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में नीलकमल एक मल्टी बैगर काउंटर बनता है। और यहाँ पर आपको बहुत ही फेयर वैल्यूएशन पर ये काउंटर अवेलेबल है। यहाँ से अगर 50-100 रुपये का डाउन साइड भी आपको मिल जाता है तो बहुत बेहतर रहेगा, आप उसमें निवेश कर सकते हैं उस वक्त में आके। इसके फंडामेंटल्स भी हम एक बार देख लेते हैं। नीलकमल के 1547.75 की आज क्लोजिंग रही है, लगभग 29 पॉइंट नीचे आया स्टॉक। प्लास्टिक सेगमेंट का काउंटर है, और इसका जो BSC का कोड है, नीलकमल लिमिटेड का जो BSC का कोड है 523385 है, और NSE का कोड है नीलकमल, NILKAMAL नीलकमल, और सेक्टर है इसका प्लास्टिक का। साथ ही स्मॉल कैप स्टॉक है ये, अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से बात करते हैं 2312.99 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अगर हम पीई की बात करते हैं 19 के आसपास की इसकी पीई है। काउंटर की जो बुक वैल्यू है वो 573.5 की है, यानी कि अपनी बुक वैल्यू से लगभग 2.7 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओके। इसके अलावा अगर बात करें फेस वैल्यू 10 है, डिलीवरेबल्स काउंटर में अभी 37% यानी कि ज़्यादातर ट्रेडिंग जोन में चल रहा है काउंटर अभी, और इंडस्ट्री की जो पी है वो 30.06 के आसपास की इंडस्ट्री की पी है। नीलकमल अगर आप देखेंगे इसका ROCE तो शानदार ROCE है 23.23% का, वहीं इसका ROE भी 15.65% के आसपास है। EPS शानदार है 82 के आसपास का EPS है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है 10.22, करंट रेशो 3.26 एंड डेट इक्विटी रेशो 0.12 यानी कि डेट ऑलमोस्ट ना के बराबर है एज़ कम्पेयर टू इसकी जो नेटवर्थ है, जो इसके एसेट बेस है उसके बेसिस पर, इक्विटी के बेसिस पर। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.81 है ओके। एंड जो सेल्स ग्रोथ हम बात करते हैं तो 5.10% की इसकी सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 सालों की। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लगभग 1.49 करोड़ इक्विटी शेयर्स मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं नीलकमल लिमिटेड के। तो ये नीलकमल के बारे में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको दिखा देते हैं हम लोग एक बार। शेयर होल्डिंग पैटर्न लगभग 63.97% प्रोमोटर्स के पास है, इसके अलावा 12.83% म्यूचुअल फंड्स ने ओन किया हुआ है और साथ ही लगभग 3.48% क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स ने निवेश किया हुआ है इसमें। इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल्स के पास लगभग 15.39% का स्टेक है, जबकि रेस्ट जो एनी अदर है उनके पास 4.29% का स्टेक है ओके। सो ये नीलकमल की बात आ गई। इसके बाद अगर हम लोग फाइनेंशियल्स पे आते हैं, आपको फाइनेंशियल्स दिखाते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल्स भी देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे जो इनके ऊपर डेट है वो 92 करोड़ के आसपास का डेट है, 92.91, जबकि जो नेटवर्थ है, जो रिजर्व्स हैं इनके वो 797.17 है एंड कंपनी की जो बुक वैल्यू 534.21 की बुक वैल्यू है। इसके साथ ही एनुअल नंबर्स मार्च 2018 में 2071 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने, जो कि लिटिल बिट हायर था मार्च 2017 के करस्पॉन्डिंग। साथ ही अगर जो हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की तो लास्ट ईयर जो PBT था वो 168.9 करोड़ के आसपास था, जो कि 2018 में जो फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स ने पोस्ट किए उसमें 178.76 करोड़ के टोटल PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस डिक्लेयर किया कंपनी ने। साथ ही बेसिक EPS में लिटिल बिट गिरावट रही 2017 के मुकाबले, 79.38% के मुकाबले 78.48% रहा, बट ओवरऑल पूरा मार्केट की वीकनेस की वजह से रहा। एंड मुझे लगता है कि आने वाला समय फ्यूचर, चूँकि प्लास्टिक सेगमेंट हम देखेंगे पिछले 1-1.5 साल से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, उसके बाद भी ये काउंटर कहीं ना कहीं अपने लेवल्स को मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हाफ ईयरली नंबर्स की बात करें सितंबर हाफ ईयरली की तो आप देखेंगे जो लास्ट सितंबर हाफ ईयरली था 17 सितंबर में वो 952 करोड़ के आसपास का टोटल नेट सेल्स था, जबकि सितंबर 2018 में 1185 करोड़ का नेट सेल्स रहा है। वहीं प्रॉफिट फॉर टैक्सेस जहाँ पर सितंबर 2017 में 75.77 करोड़ के थे, वहीं सितंबर 2018 में बढ़ के 78.38 करोड़ यानी कि लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ कंपनी का। साथ ही नेट प्रॉफिट भी 50 करोड़ से बढ़ के 55.6 करोड़ के आसपास पहुँच गया था। बेसिक EPS में भी काफ़ी सुधार आया, जहाँ पर बेसिक EPS लास्ट सितंबर हाफ ईयरली में 33.64 का था, वहीं अब 37.26 का बेसिक EPS कंपनी का पहुंच गया है। सो ये ओवरऑल पूरा कंपनी का बेसिक फंडामेंटल थे। साथ ही कंपनी का अगर बिजनेस को आप देखेंगे तो फर्नीचर सेगमेंट में कंपनी काम करती है, मटेरियल हैंडलिंग में है, मैट्रेसेस बनाती है कंपनी, होम एंड द लाइफ स्टाइल, बबल गार्ड, तो ये इनके कोर सेक्टर्स हैं। आप अगर फर्नीचर्स में देखेंगे या आप मटेरियल हैंडलिंग में देखेंगे, मैट्रेसेस में देख लीजिए आप, ठीक है, होम एंड लाइफ में आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर फर्नीचर्स में जाएंगे तो फर्नीचर में चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, जो भी फाइबर टेबल्स वगैरह बनाते हैं, बेड्स वगैरह भी बनाते हैं। अभी होम यूटिलिटीज़ में भी आ गए हैं, कैफ़े एंड द बैंकेट वगैरह में भी जो टेबल चेयर्स पड़ती हैं वहाँ पर भी इनका काफ़ी अप्रोच है। प्लास्टिक में स्पेशली इनकी काफ़ी अच्छी मजबूत पकड़ है। ऑफिस डेकोर में भी कंपनी काम करती है, लिविंग रूम्स के लिए भी फर्नीचर्स डिज़ाइन मैनुफैक्चर करती है, डाइनिंग के लिए, किड्स फर्नीचर्स, सोशल इम्पैक्ट, ठीक है। न्यू अराइवल्स की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ग्लो पर्सनल लॉकर जो है ये मैनुफैक्चर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ऑफिस चेयर्स वगैरह होती हैं वो, ठीक है, संडे रेस्ट जो चेयर्स होती हैं, तो ये इनके अगर हम देखेंगे जो सेक्टर है इस पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं और ये काफ़ी इनोवेशन भी करती है कंपनी अपने कोर सेक्टर के अंदर। तो ये फर्नीचर सेगमेंट हो गया। उसके अलावा अगर मटेरियल हैंडलिंग में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग में ये लोग जो पैलेट्स हैं, कैरेट्स हैं, ठीक है, आइस बॉक्सेस एंड फिश ट्यूब्स वगैरह, वैक्सीन कैरीज बॉक्सेस जो बनाते हैं प्लास्टिक के वो भी होते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स बनाते हैं, रोड सेफ्टी प्रोडक्ट्स बनाते हैं लोग, मेटल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स बनाते हैं, हॉस्पिटैलिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड द मेटल शेल्विंग एंड द रैकिंग सोल्यूशंस वगैरह कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ओके, इसके अलावा अगर बात करते हैं, ये मेटल हैंडलिंग में हो गया। इसके अलावा अगर नीलकमल मैट्रेसेस में आप आएंगे तो मैट्रेसेस में पिलोज हो गए आपके, मैट्रेसेस बनाते हैं ये लोग। सो ओवरऑल काफ़ी ब्रॉड इनका बिजनेस सेगमेंट है, काफ़ी अच्छी पकड़ भी है मार्केट के अंदर कंपनी की। ये आप देख सकते हैं एट होम करके इनके यू नो डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट्स खुले हुए हैं अलग अलग जगह पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 10 प्लांट्स हैं इनके और 40 डिपोट्स कंपनी के हैं अकेले। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊंगा इनके जो एट होम करके जो सेंटर्स हैं वो लगभग 17 स्टोर्स हैं अक्रॉस द 13 सिटीज़, यानी कि 17 स्टोर्स इनके एट होम के 17 स्टोर्स हैं जो कि 13 सिटीज़ के अंदर हैं। कि आप ऑनलाइन पे एट होम के बारे में देख सकते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स ये लोग सेल आउट करते हैं ऑनलाइन। सो क्योंकि आने वाला समय भी ऑनलाइन सेलिंग का ही हो जाता है, सो ये एक और इनका अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग है एट होम के थ्रू। सो ओवरऑल कंपनीज फंडामेंटल बिजनेस इज़ वेरी गुड। और यहाँ से आप इस काउंटर के अंदर लगभग 1470 रुपये का एक स्टॉप लॉस बांध सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे काउंटर बहुत अच्छा लगता है। अगर 1470 रुपये टूटता है काउंटर में तो लगभग 1200 रुपये का लेवल आपको देखने को मिलेगा। सो जो भी निवेश आप करेंगे, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो 1470 को आप स्टॉप लॉस बना के रखिएगा। अगर 1470 के नीचे क्लोजिंग आती है तो आप एग्जिट करेंगे। और जो कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनको अगर ये काउंटर 1200 रुपये के आसपास मिलता तो मुझे लगेगा कि आपको एक गोल्ड माइन बहुत ही सस्ते रेट पे आपको मिल रही होगी और आप वहाँ पर डेफिनेटली एवरेजिंग डाउन कीजिए या फिर फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। करंट लेवल भी इस काउंटर के बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं मुझे। 1490 का सपोर्ट जोन है जो कि बहुत टाइम से होल्ड कर रहा है। एंड यहाँ से अगर मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट दिखाते हैं, अगर प्लास्टिक सेगमेंट में रिकवरी आती है तो डेफिनेटली नीलकमल भी आपको एक अच्छे मूवमेंट दिखाएगा। अगले 2 सालों के अंदर नीलकमल का जो टारगेट प्राइस रहेगा वो लगभग 2200 से 2500 रुपये तक का टारगेट रहेगा नेक्स्ट 2 ईयर्स में। सो फिलहाल नीलकमल इज़ अ गुड बाय कैंडिडेट, परफेक्ट स्टॉक सिलेक्शन है ये। और आप अपने पोर्टफोलियो में इस काउंटर को ज़रूर रखिए, चाहे वो छोटी क्वांटिटी में रखिए या फिर बड़ी क्वांटिटी में, ये आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं नीलकमल का ये काउंटर आपको पसंद आएगा और आप इसमें अपनी SIP को मेंटेन करेंगे, स्लोली एड ऑन करते रहेंगे एक अच्छे काउंटर पर लोअर प्राइस पे, ताकि जब बुलिशनेस स्टार्ट हो तो आपको बड़े मोटे मुनाफे इस काउंटर से मिल सके। तो जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और अच्छे काउंटर्स के साथ जो कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, लेकिन आपको उसमें जो निवेश का तरीका है वो SIP के थ्रू ही करना पड़ेगा। बिकॉज आप लोग बल्क में अगर बाइंग करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्टिल मार्केट के अंदर अभी करेक्शन के चांसेस ड्यू हैं। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।